सीरियल अनुपमा में आने वाला है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां काव्या को तलाक देते नजर आएंगे वनराज। जी हां, सीरियल अनुपमा में वनराज ने बापूजी के शादी की सालगिरह के जश्न की तैयारी की, जहां अनुपमा और डॉली ने बाप को तैयार करने में की मदद। वहीं बापूजी डांस करते हुए अपनी ग्रैंड एंट्री के साथ नजर आए, जिसके बाद परिवार, अनुज और सभी की उपस्थिति में बा और बापूजी की होती है फिर से शादी। और फिर सीरियल की कहानी में आता है ट्विस्ट, जब समर सभी को एक ग्रुप फोटो लेने के लिए इकट्ठा होने के लिए कहता है। वनराज अनुपमा के बगल में खड़ा होता है और उसे काव्या बहुत असहज हो जाती है। काव्या वहां पहुंचकर अनुपमा को हाथ से खींचती है, जिससे सभी हो जाते हैं शॉक। अनुपमा कहती है कि पारितोष और किंजल की शादी के दौरान अनुपमा ने उसका अपमान किया था और अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। वहीं वनराज काव्या से सीन क्रिएट नहीं करने के लिए कहता है, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनती। काव्या कहती है कि वो अनुपमा से बात करना चाहती है। वनराज ने फिर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अनुपमा ने उसे रोका और कहा कि वो बात करने के लिए है तैयार। काव्या अनुपमा को उसके पुराने बेडरूम में लेकर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, जिसके बाद काव्या अनुपमा से पूछती है कि वो हमेशा अपने घर में क्यों रहती है, लेकिन अनुपमा ने उसे काफी कुछ सुना और बाद में दिया जवाब ये कहकर कि वो अपने परिवार की वजह से यहाँ आती है, नहीं तो उसे वनराज को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। अनुपमा काव्या से ये भी कहती है कि हालांकि उसने घर हासिल कर लिया है, लेकिन उसने परिवार, यहां तक कि अपने पति वनराज को भी खो दिया है। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां वनराज कुछ कागजात काव्या को सौंपता है। काव्या खुशी खुशी इसे खोलती है, लेकिन काव्या ये देखकर चौंक जाती है कि ये तलाक के कागजात हैं, जिसके बाद वनराज घोषणा करता है कि अब समय आ गया है कि उसकी दूसरी शादी का हो जाए द एंड। अब सीरियल की कहानी में आएगा कौन सा नया ट्विस्ट? क्या वनराज काव्या को देंगे तलाक? ये देखना दिलचस्प होगा।